चू से निकलते हुए हम लोग डिसाइड किया बेलतोला मार्केट जाएंगे, जो गुवाहाटी का एकदम फेमस मार्केट है, वो हाट बोलते हैं। उधर बहुत सारे चीज़ें वैरायटी का मिलता है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो उधर मिलता नहीं, आपको जो चाहिए आप उस हाट पे मिलेगा आपको। आज है संडे और आज के दिन भी बैठते हैं, तो सुमित ने बोला चलो आज आपको गुवाहाटी का वो हाट दिखाऊंगी, कितना बड़ा हाट बैठते हैं और आपको जो ज़रूरत का सामान है उधर से भी मिल जाएगा। तो उधर जाने से पहले हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए थे, घर से थोड़ा बहुत खा के आए थे, उसके बाद अब जाके पेट के अंदर कुछ गया। सुमित ने लिया था नूडल्स, मैंने लिया था मोमोज, और उसके बाद खाने के बाद ने उसको हजम करने के लिए सोडा ले लिया था। सोडा पीते पीते हम लोग आ गए हैं देखिए मार्केट के अंदर, और सुमित मुझे दिखा रहा था इधर ये मिलता है उधर वो मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी घूम चुका है, मुझे घुमाने के लिए लेके आए हैं, और मैं तो घूमने के लिए आई हूँ, ऊपर से शॉपिंग भी करने के लिए आई हूँ। क्या इधर से शॉपिंग करती हूँ आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा आखिरकार मैं घर क्या क्या शॉपिंग करके लेके जाती हूँ। कितना देखो भीड़ है, हम लोग आए हैं मार्केट पे, बहुत सारा शॉपिंग किया है। बाबू हमने कुछ शॉपिंग करते बेलतोला शॉपिंग करने आई हूँ, ये गुवाहाटी का एकदम मार्केट है जो जैसे बैठते ना। देखो सुमित का बहुत मन था इधर से इल्सा फिश लेके जाने के लिए, लेकिन हम लोगों को इल्सा फिश मिला नहीं, और उसको ना और एक माफिस वो ढूंढ रहा था वो भी नहीं मिला, पापदा फिश नहीं मिला यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा रूहू कतला और जो जियोल फिश होता है ना वही सब मिला उनको। तो मैंने बोला ये सब लेके जाने का ज़रूरत नहीं है, चलो जो ज़रूरत का सामान है वो लेके चलते हैं। घूम के आ गए घर, ये देखिए दो ग्लास स्टील का लेके आए हैं, 50 करके एक एक ग्लास लिया है, मतलब 100 रुपीज़ का दो ग्लास लिया है। उसके बाद ये पूजा देने के लिए जो अगरबत्ती लगाते हैं ना उसका स्टैंड लिया है, ये लिया है 20 रुपीज़। इसके बाद मेरा खुंती लंबा साइज़ का लेना था, क्योंकि मछली जब फ्राई करती हूँ ना हाथ में छिटकता है, क्योंकि खुंती मेरा छोटा है, ये लिया है 40 का। उसके बाद मैंने लिया है दो लेमन, ये लेमन अलग ही लेमन है, और ये देखिए क्या है, मैं लेके आई हूँ तेजपत्ता, कच्चा तेजपत्ता इधर मिल रहा था 15 रुपये का, मैं लेके आई हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी ये तेजपत्ता है या लीची का पत्ता है, फिर एक जन को पूछा तो बोला ये कच्चा तेजपत्ता है, तो मेरा घर में तेजपत्ता भी ख़त्म हो गया था, तो इतना सारा मैं तेजपत्ता 15 रुपये का लेके आ गई, 20 बोल रहा था मैं 15 रुपये का लेके आई, और ये लाल साग नहीं 30 बोल रहा था 15 लेके आई, और ये रहा साग 20 रुपये का, चार गुच्छा, ये देखो ना कलर को रहे हाँ कलर किया हुआ है ना, तो ये नया ग्लास लेके आए हैं, तो ये सबसे यूजफुल रहा मेरा ये, और अगरबत्ती के लिए ये स्टैंड, पूजा देने में बहुत दिक्कत हो रहा था इसीलिए, और ये चलो इसको वॉश कर लेते हैं, और सुमित इसमें चीरा सीड भिगोने वाले हैं, ये देखो मैं बोली ना कुछ दिनों से हेल्दी खा रही हूँ, तो ये देखो ये है चीरा सीड। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।